नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं BHU पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले जो स्क्रीन रिकॉर्डर पे वीडियोस गया था, बच्चे कुछ कमेंट्स किए थे, सर वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो वॉइस अभी क्लियर आ रही हो। इसके बावजूद अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप लोग हेडफोन यूज़ करें और अपने रूम में जाके इस वीडियो को देखें। होपफुली तब आपको बातें क्लियर समझ में आएंगी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि BHU काउंसलिंग जो कि अभी कंटिन्यूस चल रहा है, उस काउंसलिंग में प्रेफरेंस कैसे भरना है और प्रेफरेंस भरना कितना ज़रूरी है, तमाम बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। कमिंग वीडियोज़ में हमारा कट ऑफ आने वाला है और साथ ही साथ एक गुड न्यूज़ भी वीडियोज़ जाने वाला है, जो कि आप लोग को पहले से पता है, हमारे वीडियोज़ में अनाउंस किया गया था। देखो, आप लोग को लॉग इन करने का एक बार पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ, ठीक है? आपको जाना है BHU ऑनलाइन पे। ओके, BHU ऑनलाइन एकदम ऊपर ही आ जाएगा। BHU ऑनलाइन पे ये आपको सबसे ऊपर वाला ओपन करना है और ये BHU का होम ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको आपको स्क्रॉल करके नीचे ले जाना है और यूँ यहाँ पे लिखा है काउंसलिंग पोर्टल, क्लिक हेयर, ठीक है? और आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, आपने यहाँ पे क्लिक किया। इसको क्लिक करने के बाद UG स्टूडेंट लॉगिन 2022 आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो, थोड़े से समय लगेगा। ध्यान देना, यहाँ बहुत सारे बच्चों का ओपन नहीं हो रहा होगा, तो ऐसे में वो लोग अपना सही पासवर्ड यूज करें, अपने सिस्टम का जो कैचेज है उसको क्लियर कर लें, और अदरवाइज थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़े टाइम बाद वो ओपन हो जाता है। उसके बावजूद ओपन नहीं होता है, जैसे मान लो किसी का लगभग 48 घंटे से नहीं ओपन हुआ है, 4-5 दिन से ओपन नहीं हो रहा है, तो वो कमेंट करके बताएं और मैं उनको एक BHU का मेल दे दूंगा। आप उस पर हेल्प डेस्क पर डाल देना अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और अपना डिटेल्स। होपफुली आपको बहुत जल्द आंसर्स मिल जाएगा, ठीक है? अब आगे का प्रोसीजर ये है, आपको यहाँ साइन इन करना है। ध्यान देना कि जिनको रजिस्ट्रेशन करना है, यानी जो पहली बार अभी रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, वो मेक रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, अदरवाइज आपको साइन इन करना है। जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, साइन इन करते हो तो आपसे एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड पूछा जाएगा और यहाँ से आप साइन इन क्लिक करते हो और तुरंत आपका ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये डैशबोर्ड जहाँ पर लिखा होगा प्रिफ्रेंस, कोर्स अलोकेशन, हॉस्टल अलोकेशन, इसी कोर्स अलोकेशन पर मैंने आपको आज एक सुबह वीडियो दिया है जिसमें मैंने आपको बताया कि कोर्स अलोकेशन आते ही आपको 48 घंटे के अंदर पेमेंट करना है, जो कि पहले से ही आपको पेमेंट ऑनलाइन मोड में अपने अकाउंट में रखना है या किसी भी अकाउंट में रखना है। बाकी उस वीडियो को भी आप जाके यूट्यूब पे देख लेना। होपफुली आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, वो वीडियो होगा यहाँ पे। और प्लीज़ आप लोग इन 2-3 वीडियो को तो ज़रूर ही देख लें, 2-3 वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लें, ठीक है? और ये है 2-3 वीडियो में, ये वीडियो एकदम टॉप पे दिखाएगा, ठीक है? ये देखो लिखा हुआ है कोर्स अलोकेशन आते ही कितने समय में पेमेंट करें, ये वीडियो आप लोग जाके यूट्यूब पे देखें, ठीक है? और ये वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, BHU काउंसलिंग का मास्टर वीडियो। ये 2 वीडियो आपको देखना है BHU पाठशाला पे। हम लोग फिर से आते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर पे। अब आपको यहाँ से एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड डालना है, ठीक है? यहाँ से एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डालना है और जैसे ही डालोगे ये डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाता है, ठीक है? एक स्टेप आगे चला गया मैं, ये डैशबोर्ड ओपन होगा, प्रेफरेंस, कोर्स अलोकेशन एंड हॉस्टल अलोकेशन ओपन हो रहा है। ध्यान देना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे एक साथ हैं तो वो प्रॉब्लम्स आएगी, थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग को लगे कि हाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो पासवर्ड इसलिए फॉरगेट कर दे रहे हैं कि उनका ओपन नहीं हो रहा जल्दी, ठीक है? देखो प्रेफरेंस में जाना है, प्रेफरेंस में यहाँ पे अभी देखो कुछ कारण से ये शो नहीं कर रहा है, ठीक है? लेकिन मैं आपको दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ, देखो ये शो करेगा, दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूँ और वो शो करेगा, ठीक है? देखो मैं दोबारा गया और यहाँ पे मैंने साइन इन किया। ओके, और एक मिनट, वो फिर से लॉग इन करना पड़ेगा, जस्ट वेट। ओके, हाँ अभी ये देखो डैशबोर्ड ओपन हो गया, अभी नेटवर्क सही होने की वजह से पूरा फॉर्मेट सही से दिखा रहा है। अब जिसका ये पोर्टल है, देखो उसने ऑनलाइन मोड में सबकी काउंसलिंग करी है, डॉक्यूमेंट्स पूरा कंप्लीटेड दिखा रहा है और प्रेफरेंस भी इनका कंप्लीट हो चुका है, यानी इनके जो भी प्रेफरेंसेस थे, चाहे रेगुलर फीस के लिए था, मेन कैंपस, पेड सीट के लिए, एफिलेटेड कॉलेज के लिए, सब इनका देखो यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है, अब हम लोग प्रेफरेंस ओपन करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन प्रेफरेंस ओपन हो जाएगा। आपको मैं पहले बता देता हूँ, हर जगह आपको पेशेंस रखना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो कुछ लोग के एलिजिबल दिखाएगा, कुछ लोग के नॉट एलिजिबल दिखाएगा। नॉट एलिजिबल के 2 कंडीशंस है, या तो आपने उस सब्जेक्ट्स के लिए पेपर नहीं दिया, दूसरा हो सकता है कि आपने मान लो कि जनरल टेस्ट पेपर भी दिया था फिर भी आपका एलिजिबल नहीं दिखा रहा है, नॉट एलिजिबल लिख रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो डिटेल्स है
वो अभी एनटीए ने यूनिवर्सिटी को दिया ना हो। और ध्यान देना कि ये सब चीज़ें जो है वो अभी अपडेटेड हो रही हैं, यानी 2 या 3 तारीख तक आपके बहुत सारे डेटा अभी एनटीए यूनिवर्सिटी को भेजेगा और वो अपडेट होगा, चाहे आपका मार्क्स हो, इवन बीएचयू पोर्टल भी अभी एडिट होगा, उसमें एडिट करने का ऑप्शन आएगा, करेक्शन कर सकोगे अपना मार्क्स वगैरह। अब देखो यहाँ से आपका जो कोर्स है वो शो कर रहा है, मान लो इसका बीए है तो बीए शो कर रहा है गो, जिसका बाकी कोर्सेज बहुत सारे होंगे ना वहाँ पे कई सारे कोर्स शो करेगा, तो आपको क्लिक करके पर्टिकुलर उस कोर्स की काउंसलिंग करनी होगी। ठीक है, देखो अब गो कर दिया मैंने, अब वही पोर्टल आगे ओपन होगा, जस्ट वेट कर लो थोड़ा सा। हाँ, उसके बाद देखो यहाँ पे इनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ठीक है, सीयूटी का स्कोर कार्ड, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का और इनएक्जर 10। ओके, अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर अब यहाँ पे 2020 ही लिखा हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, काट के आप सही कर लेना, फिर प्रोसीड बटन करना है। प्रोसीड करते ही ओके, देखो थोड़ा सा इंतज़ार होगा, फिर प्रोसीड। हाँ, उसके बाद सेकंड प्रिफ्रेंस आया हुआ है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किसका प्रिफ्रेंस भरना है। ध्यान देना यहाँ पे जिन बच्चों के जितने कॉलम आ रहे हैं हर पे क्लिक करके प्रिफ्रेंस भरना है, जैसे कि यहाँ पे देखो रेगुलर एंड पेड सीट मेन कैंपस के लिए आ रहा है, तो इनका मतलब है कि आपको ये वाला क्लिक करके भरना है। फिर इसके बाद जब ये वाला कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये आरजीएससी अफिलेटेड कॉलेज के लिए भी आप करोगे। ध्यान देना यहाँ पे कि ये नहीं कि बस आपने ऊपर एक का प्रेफरेंस भर दिया नीचे वाला नहीं भरा, प्रेफरेंस आपको दोनों के भरने हैं। ठीक है, अब आगे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। अब देखो इनका प्रेफरेंस ऑलरेडी फिलअप हो चुका है, जो पहला मैंने क्लिक किया था उसमें एफएमसी एंड एमएमबी दोनों आ रहा है, यानी देखो एफएमसी मतलब फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, एमएमबी मतलब महिला महाविद्यालय। यहाँ पे बहुत सारे जब प्रेफरेंस क्लिक करने जाते होगे आप देखते होगे कि यहाँ पे 2 कॉलम रहता है, एक इधर से चूज करके इधर भेजना रहता है। ठीक है, इनका तो फिलअप हो गया है, तो वहाँ पे बस शॉर्ट रहते हैं जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे AISC लिखा है तो मतलब एंशियंट हिस्ट्री है, SAN लिखा है मतलब संस्कृत है, JAP लिखा है मतलब जापानीज है। आप लोग ना BHU के सब्जेक्ट्स एब्रीविएशन डाउनलोड कर लेना, गूगल करोगे तो आ जाएगा पूरा शॉर्ट जो है भी उसका। देखो यहाँ फिलोसफी है। अब यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेके पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट्स के कुछ मैं आपको ट्रिक्स दे देता हूँ। सब्जेक्ट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका है आप उसमें एक लैंग्वेज रखो। ठीक है, सब्जेक्ट्स बनाने का तरीका क्या है कि आप एक लैंग्वेज रखो और 2 सब्जेक्ट्स रखो, और एक सब्जेक्ट्स आप अपनी पसंद के रखो और एक सब्जेक्ट्स अपने कैरियर से रिलेटेड रखो। सपोज कि हम लोग इनका कोई एक देखते हैं, ठीक है, इन्होंने पहला क्या भरा है, इन्होंने पहला भरा है, ठीक है, इनको इनका पहला हम लोग देखते हैं पहले। हाँ, पहला इन्होंने भरा है AISC इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, अपने आप में तीनों सब्जेक्ट्स कभी नहीं भरने चाहिए, मेरा मानना है। इन्होंने भले भर दिया है लेकिन नहीं भरना चाहिए, वैसे इनके मार्क्स पे इनको मिलेगा नहीं है, लेकिन जो बच्चे अगर इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी AISC तीनों लेते हैं, मैं बता दूं कि तीनों कॉम्बिनेशन बहुत हार्ड हैं और इन तीनों में BHU मार्क्स काटेगा। ज्योग्राफी में भी मार्क्स लाना कठिन है थोड़ा सा, प्रैक्टिकल भी है, इकोनॉमिक्स में भी वही हाल है, और AISC में भी यहाँ के डिपार्टमेंट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। तो आपको कॉम्बिनेशन में एक लैंग्वेज रखना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे इनका सेकंड प्रेफरेंस देखो सही है, हिंदी है, सही है, AISC है और इंग्लिश, लेकिन फिर 2 इन्होंने लैंग्वेज डाल दिया, ये भी गलत है। फिर AISC है, हिंदी है और ज्योग्राफी है, ये प्रेफरेंस कुछ हद तक सही है। फिर उसके बाद है AISC पाली और हिंदी, कुछ हद तक सही है। इनका जो ये प्रेफरेंस है हिंदी, AISC और फिलॉसफी, अपने आप में ये सब्जेक्ट जो है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि फिलॉसफी का जो वर्कलोड है कम रहेगा, AISC थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा रहेगा और हिंदी फिर आपको रिलीफ देगा, तो ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन भी सही है। हिंदी की जगह पे कोई और लैंग्वेज आपको पसंद है तो आप भी वो भी आप चूज कर सकते हो। उसी तरीके से हम लोग इनके कुछ और प्रिफ्रेंसेज देते, जैसे देखो इन्होंने MMB में लिया है ज्योग्राफी, संस्कृत और हिंदी, अपने आप में मार्क्स तो अच्छे आ जाएंगे क्योंकि संस्कृत में मार्क्स अच्छे मिलते हैं, हिंदी में अच्छे मिलते हैं, लेकिन ज्योग्राफी को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, तो एक सब्जेक्ट आप मैनेज कर भी लोगे। मेरा मानना है कि आप कभी भी प्रेफरेंसेज में तीनों के तीनों हार्ड मत लो। जैसे कुछ लोग अच्छे क्या लेते हैं, मैथ भी ले लेंगे, इकोनॉमिक्स भी ले लेंगे और स्टैट्स भी ले लेंगे, भाई ऐसा कॉम्बिनेशन लेने से मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं समझ में आता है। जैसे अब ये वाला कॉम्बिनेशन, जैसे देखो यहाँ पे ना मैथमेटिक्स, स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स MMB में, आप ये कॉम्बिनेशन ऊपर मत रखना। अच्छा हाँ, प्रेफरेंस भरने का तरीका मैं बता दूं, आपको जो प्रेफरेंस अलॉटमेंट होता है वो हमेशा जो है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ठीक है, और वो आपको नीचे से प्रोवाइड कराया जाएगा और ऊपर बढ़ता जाता है, धीरे धीरे ऊपर अपग्रेड होता जाता है, जैसे जैसे आपके मार्क्स जो है अच्छे होते जाएंगे, यानी कि कोई बच्चा सीट छोड़ता है तो वो अपग्रेड होता जाता है। सपोज कि आपको पहले प्रेफरेंस मिल गया, पहले काउंसलिंग में वो मिल गया, कितना वो मिल गया आपका 8वां नंबर,
हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में आठवां मिला हो, और पेमेंट तुरंत आप आठवां मिलता है तो कर देना, जैसे हिंदी इंग्लिश फिलोसफी मिला आप करके खाली हो जाओ, ये मत देखो कि एफएमसी में मिला है एफिलेटेड में मिला है, डजेंट मैटर, आप पहले पेमेंट करो, ठीक है, पेमेंट करो और उसके बाद अपना सीट जो है वो पहले फिक्स कर लो और उसको अपग्रेड पर छोड़ दो। सेकेंड राउंड का जब पेमेंट आएगा तो ये आठवां अपग्रेड करके हो सकता है चौथा चला जाए, और अपग्रेड होता ही है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो दूसरी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, हो सकता है ये आर्ट्स का बच्चा है सोशल में भी करा रहा है तो सोशल में जाएगा तो ये सीट छोड़ेगा, ठीक है, तो ये बात को ध्यान देना है। और अभी आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर कौन सा प्रेफरेंस लेना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि फॉरेन लैंग्वेजेस के प्रेफरेंसेज आप लेते हो तो बहुत अच्छा है, उसमें प्लेसमेंट अच्छा है, ठीक है, जैसे फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, 50-60 हज़ार रुपये के उसमें पैकेज है, तो आप वो भी ले सकते हो, लेकिन हर फॉरेन लैंग्वेज नहीं अच्छा है, आप लोग उसके लिए पहले गूगल करके देख लो कि किस फॉरेन लैंग्वेजेज के इस समय मल्टीनेशनल कंपनीज में ज़्यादा डिमांड है, जैसे कि अमेजोन में, फ्लिपकार्ट पे, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि आपको जॉब देती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और समझाने वाला हूँ कि आप कौन से वीडियोस देखोगे बीएचयू पाठशाला के, जिससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी कैसे चूज करें, ठीक है, आप ऐसे स्क्रॉल करके नीचे ले जाओ बीएचयू पाठशाला के वीडियोज, ठीक है, और देखो यहाँ पे एक वीडियो मैंने दिया था, ओके, ये वीडियो यूनिवर्सिटी कैसे चूज करें, एक मिनट, यूनिवर्सिटी कैसे चूज करें, देखो ये वीडियो देख रहे हो यहाँ पे लिखा है ना सीयूटी यूनिवर्सिटी कैसे चूज करें, ये वीडियो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लो सीयूटी में यूनिवर्सिटी कैसे चूज करें, ठीक है, ये वीडियो बीएचयू पाठशाला नीट सर सीयूटी यूनिवर्सिटी डालोगे तो आ जाएगा, ये वीडियो आ जाएगा, और इस वीडियो को आप लोग यूट्यूब पे जाके जरूर देख लो, इसमें आपको 12 मिनट के वीडियोज में आपको पूरी अच्छी से बात बताई गई है कि यूनिवर्सिटी चूज करने के क्या फैक्टर्स होने चाहिए। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बाकी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स करें, होपफुली अभी फेस्टिवल चल रहा है, कोशिश करूंगा कि मैं आके आके बाकी डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट में, प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, हर हर महादेव।